दोस्तों, ये हमारे टैरो डेक का पहला कार्ड है। इसे फूल कहते हैं। फूल इसलिए नहीं कहते कि ये बेवकूफ है, बुद्धू है, नहीं। इस कार्ड को फूल इसलिए कहते हैं कि ये एक नवजात शिशु की तरह है, न्यूबॉर्न बेबी की तरह, एक कोरा कागज, पूरी तरीके से अनुभवहीन, नया, भोला, अनाड़ी। ये जो हमारा फूल कार्ड है, ये एक नई जर्नी, एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहा है और इसी कार्ड से शुरुआत करता है और टैरो डेक के अन्य 77 कार्ड से अपनी जर्नी, अपना सफ़र जारी रखते हुए, तय करते हुए कार्ड के आखिरी कार्ड तक जा पहुंचता है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला कार्ड, फूल कार्ड। इसके ऊपर नंबर लिखा है 0, 0, 0, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है हमारी संस्कृति में भी। शून्य जो है वो हमारी संस्कृति में ध्यान को और एनलाइटनमेंट को भी दर्शाता है। इस फूल कार्ड को हम एक नवजात शिशु की तरह समझ सकते हैं जो इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है। और यही कारण है कि ये हमारा जो कार्ड है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कार्ड हमारे क्वेरेंट को, हमारे प्रश्नकर्ता को ही दर्शाता है, हमारे प्रश्नकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो कार्ड है, फूल्स कार्ड, हमारे टैरो डेक का एक तरीके से आधार है, उसकी नींव है। यहीं से ही, फूल्स कार्ड से ही सब कुछ शुरू होता है, यहीं से सब कुछ जन्म लेता है। इसी कारण से वो हर चीज़ जो एक नए बच्चे को, एक न्यू बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को, या एक नई आत्मा को जो अभी अभी जीवन में आई है, इन सब को जो चीज़ें दर्शाती हैं वो हमारे फूल कार्ड के लिए भी सटीक बैठती हैं। जैसे कि एक नई शुरुआत, एक्साइटमेंट, उत्साह। और क्योंकि हमारा जो फूल है वो जीवन सफ़र पर बिल्कुल नया है, इसलिए वो अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होने के साथ साथ इस जगत से अपरिचित होना। और क्योंकि उसको इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसी कारण से वो चलते चलते इस क्लिफ पर आ पहुंचा है। क्लिफ अर्थात एक ऐसी चोटी, माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर, जहां उसने एक कदम और लिया और वो गिरा। उसको इतना अनुभव नहीं है कि वो समझ सके कि वो यहां से शायद नीचे भी गिर सकता है या शायद कुछ और भी हो सकता है। दोस्तों, ये जो शून्य है और ये जो क्लिफ है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों को आप ध्यान में बिठाइए। जब मेजर आर्काना कार्ड्स हमारे खत्म होंगे तो आखिरी में हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे, ताकि हमको इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाए। तो यही अच्छी बुरी विशेषताएं हमारे फूल का वर्णन करती हैं। न्यू बिगिनिंग्स, नया सफ़र, न्यू जर्नी, उत्साह, डर का अभाव, खुशी एक नए सफ़र की, शुरुआत, जीवन शुरुआत, लस्ट फॉर लाइफ, भोलापन, सोचने की क्षमता का अभाव, सावधानी की कमी, ये सारी चीज़ें हमारा फूल कार्ड दर्शाता है।